जंग के मैदान में जीत और हार दो बातों से तय होती है। पहला सैनिकों में जीतने का जो जज्बा है, दूसरा युद्ध के हथियार। अगर यूक्रेन और रूस युद्ध को देखें तो दोनों सेनाओं के पास ना तो हथियारों की कमी है ना ही युद्ध लड़ने के जज्बे की कमी है। बाहुबल में रूस का मुकाबला नहीं, हौसला यूक्रेन दिखा रहा है। मैदान में बढ़ते रूस को कोई रोकने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। पुतिन के सैन्य बेड़े में मौजूदा जो विनाशकारी हथियार है, वही हथियार जो रूस की सबसे बड़ी ताकत है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत में एक है। जल, थल और वायु में रूसी का कोई साली नहीं। परमाणु हथियार से लेकर मिसाइल तक रूस के पास अत्याधुनिक और विनाशकारी हथियार मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन पर रूस परमाणु बम गिराने की क्षमता रखता है। रूस के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली शक्तिशाली मिसाइलें हैं, वही मिसाइलें जो ब्रिटेन को सिर्फ 20 मिनट में और अमेरिका को 30 मिनट में निशाना बना सकती हैं। सैन्य शक्ति के मामले में रूस किसी से कम नहीं। डर इसी बात का है कि पुतिन की जिद कहीं सर्वनाश का सबब न बन जाए। इस खतरे के पीछे रूस के पास मौजूद विनाशकारी हथियारों का जखीरा है। खतरा नंबर 1, रूस के पास सबसे शक्तिशाली परमाणु बम। खतरा नंबर 2, प्रलय ला सकती है रूस की परमाणु पनडुब्बी। खतरा नंबर 3, रूस की परमाणु मिसाइलों की जद में दुनिया। अगर यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका या कोई और मुल्क डायरेक्ट उतरा तो परमाणु युद्ध से दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। इसकी वजह भी समझिए, पुतिन का हथियार नंबर 1, रूस की महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड तैयार है। पनडुब्बी किसी शहर को एक झटके में तबाह कर सकता है। पुतिन का हथियार नंबर 2, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक मार करने वाली ताकतवर मिसाइल सरमत। सरमत मिसाइल के आगे मिसाइल रक्षा प्रणाली बेअसर है। पुतिन का हथियार नंबर 3, हवा से मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल, आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। 2000 किलोमीटर तक परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। पुतिन का हथियार नंबर 4, हाइपरसोनिक मिसाइल एवंगार्ड, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक मार करने की क्षमता, 25000 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार। पुतिन का हथियार नंबर 5, R-36 रूसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, दुनिया में सबसे शक्तिशाली मिसाइल में से एक, 16000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता। ये वो हथियार है जिसके दम पर रूस जंग के मैदान में अपने दुश्मन को चित्त करने का मादा रखता है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना क्लस्टर बम और वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रही है। आखिर क्या होता है वैक्यूम बम, आपको बताते हैं। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम के नाम से भी जाना जाता है। जमीन से कुछ ऊंचाई के ऊपर इस बम का विस्फोट कराया जाता है। धमाका होते ही इससे सुपरसोनिक विस्फोटक तरंगे बननी शुरू हो जाती है। ये तरंगे आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेती है। जहां ये बम फटता है उसके आसपास के इलाकों में लोग घुटन महसूस करने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग दम तोड़ने लगते हैं। वैक्यूम बम का असर लंबे वक्त तक रहता है। वैक्यूम बम सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियारों में से एक है। इसी तरह क्लस्टर बमों को भी सबसे विनाशकारी हथियारों में गिना जाता है। ये विनाशकारी बम जिस जगह गिरते हैं वहां 25 से 30 मीटर के दायरे में भयानक तबाही मचा सकते हैं। वैसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि कैसे रूस की मिसाइलें यूक्रेन में सैन्य ठिकानों में तबाही मचा रही हैं। आज तस्वीरों में